करो आक्रमण लक्ष्मण, तुम्हारे आक्रमण करते ही ये वनवासी स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। लक्ष्मण भैया कोई अनर्थ न कर बैठे, अन्यथा प्रभु बिना युद्ध किए ही परास्त हो जाएंगे। तुमने छल से भैया को घायल करने का दुस्साहस किया। आकाश में स्थित होकर मायावी अस्त्र का और लाभ नहीं उठाने देगा लक्ष्मण तुम्हें। अभी तुम्हारे रथ को चूर चूर करके तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगा मैं। लक्ष्मण आवेश में आ गए। यदि उन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप करके रावण पर आक्रमण कर दिया तो प्रण के अनुसार प्रभु श्री राम को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम का वचन अडिग, ये तो जग प्रसिद्ध कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रावण! भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण ने मेरा प्रण बुला दिया है क्या? कहीं ये आवेश अनर्थ का कारण ना बन जाए। इस वनवासी से बिना युद्ध किए से पराजित करना है तो यही उचित समय होगा लक्ष्मण को उकसाकर उसे आक्रमण के लिए बाध्य करने का। बस लक्ष्मण बस, इन बानरों की भांति बानर गुड़ की देना बंद करो। यदि सच में तुम्हारी भुजाओं में बल है, यदि सच में तुम रघुवंशी हो, तो आओ युद्ध करो मुझसे, आक्रमण करो मुझ पर। रावण! तुम चिल्लाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी धमनियों में रघुवंशियों का रक्त प्रवाहित है तो आओ दिखाओ लंकेश रावण को अपना बल, अन्यथा पूछ दुबकाए चुपचाप खड़े इन वानरों की भांति भोग दर्शक बने रहो। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आओ, रघुवंशी ही तुम्हें यमलोक पहुंचाएंगे रावण। ये दुष्ट राक्षस बारंबार उकसा रहा है लक्ष्मण भैया को, मुझे ही कुछ करना होगा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं पीछे मुड़कर लक्ष्मण को देख भी नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। मेरे भैया राम पर प्रहार किया तुमने और ऊपर से रघुवंशी रक्त को चुनौती दे रहे हो, इसी क्षण तुम्हारा अंत करेगा ये लक्ष्मण। क्रोधावेश के कारण इनको रावण के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए लक्ष्मण भैया। क्या हुआ वनवासी? यदि तुम्हारे रक्त का उबाल ठंडा ना हुआ हो तो आओ दिखाओ अपना सामर्थ्य, नहीं तो जाओ और छुप जाओ कीड़ों की भांति जाकर अपने किसी बिल में। ये वानर पुनः आ गया, मेरा बना बनाया कार्य बिगाड़ देगा ये। ऐसा अनर्थ मत कीजिए लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम की सौगंध स्मरण कीजिए आप। यदि आपने युद्ध में तनिक सा भी हस्तक्षेप किया तो प्रभु श्री राम को बिना लड़े ही पराजय स्वीकार करने पड़ेगी। लक्ष्मण भैया, भैया मान जाइए। लक्ष्मण भैया, क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण प्रभु का शीश झुक जाए, वो भी ऐसे अधर्म राक्षस के समीप? लक्ष्मण भैया मान जाइए, मान जाइए लक्ष्मण भैया, मान जाइए लक्ष्मण भैया, प्रभु के लिए मान जाइए। कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया तो ये रघुवंशी राम उसे क्षण
अपनी पराजय स्वीकार करने का। ये क्या करने जा रहा था मैं? धन्यवाद हनुमान, भैया की सौगंध को तोड़ने के महापाप से तुमने मुझे बचा लिया। फिर तो क्या करता, मेरे भैया राम को घायल किया तुमने। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसी सौगंध में बांध दिया भैया ने मुझे। रघुवंशियों की सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है, और अब सौगंध ही पुनः तुम रघुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी। अभी तो बात आहत किया था इस वनवासी को, अब इसके अंग भंग करूंगा। मेरी ऊंचाई मेरे प्रहारों को और अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। महाघातक दिव्यास्त्रों, आक्रमण करो इस वनवासी पर। इस ऊंचाई से किए गए सभी प्रहारों को रोकना असंभव है। अब और अधिक घातक प्रयास करूंगा मैं। ये दुष्ट तो अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर प्रभु पर महाघातक प्रहार किए जा रहा है। अब मैं और नहीं रोक सकता स्वयं को, विवश हो गया हूं मैं। हनुमान जी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे प्रभु को पराजय स्वीकार करनी पड़े। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में। लौट जाओ हनुमान, लौट जाओ। प्रभु, आपने युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हम सबको मना किया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मैं आपका रथ तो बन ही सकता हूं ना प्रभु। प्रभु, मेरी इतनी विनती आपको स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु, मैं आपको इस दुष्ट के समक्ष ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिससे ये अधर्मी अपनी इस ऊंचाई का लाभ उठाकर धर्म को हानि न पहुंचा सके। प्रभु,
तुम आश्वस्त हो हनुमान? ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अपने सेवक को एक अवसर दीजिए प्रभु। स्मरण रहे हनुमान, कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु। मुझे सौगंध है मेरी माता देवी अंजना की, मेरे पांव कदापि पीछे नहीं हटेंगे। आपकी आज्ञा के बिना हिलेंगे तक नहीं मेरे पांव प्रभु। अच्छा, अहंकारी मुझे कहते हो वानर, परंतु अहंकार तो तुम दर्शा रहे हो। अहंकार नहीं है ये रावण। एक सेवक की सेवा है अपने स्वामी के लिए, निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। तुम जैसा दंभी इसे कभी नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम मेरा दंभ देखो, मैं तुम्हारे भक्ति की शक्ति देखता हूं। अभी देखता हूं उस सेवक को। आइए प्रभु। चलो हनुमान। रावण रथ ऊंचाई पे भारी, संकट विकट मह अवध बिहारी। पवन तनय रथ राम के बने है, समकक्षा दशानन के डटे है। राम जगत के संकट हारी, राम के काज कपीश सवारी। अटल अविचलित अचल अटेगा, कब सम सेवक को तनिका। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वानर, इस वनवासी को अपनी सेवाएं देकर तुमने सबसे बड़ी भूल की है। अब भुख तो इसका दंड। हनुमान का कोई अहित नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये अस्त्र, अधर्मी रावण। प्रभु के इस चक्रास्त्र को भी पूर्व की ही भांति माता तारा की डाकनियां लील जाएंगी।
रावण के अस्त्र को काट दिया प्रभु के अस्त्र ने। अब तुम्हें भी काट देगा मेरा ये चक्रास्त्र। मुझे क्षति पहुंचाने के तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे वनवासी। प्रभु ने राक्षस के अस्त्र पर प्रहार किया तो वो सफल रहे, किंतु राक्षस पर प्रहार किया तो उसे माता की डाकनियों ने विफल कर दिया। इसका अर्थ है कि देवेश्वर, मेरे ही अंश देवी तारा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण ही श्री राम के समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं। अपनी निषिद्ध पूजा द्वारा देवी तारा को विवश करके रावण अनुचित लाभ उठा रहा है। नियम के विरुद्ध चलकर या लघु एवं अनुचित मार्ग से किसी वस्तु या शक्ति को प्राप्त करने वाला क्षणिक सुख तो पा लेता है, किंतु अंत में उसको उसका दुखदायी परिणाम भी भोगना पड़ता है। विजय धर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलती है, अधर्म या अनीति से नहीं। प्रभु, इस राक्षस राज को भले ही देवी तारा की सुरक्षा मिली हुई है, किंतु इसके धनुष, इसके अस्त्र शस्त्र और रथ आदि को सुरक्षा नहीं मिली है देवी तारा से। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान। सर्वप्रथम इसके मायावी रथ को ही भंग करता हूं। वनवासी! बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा वनवासी। महादेव प्रदत्त धनुष प्रकट हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। वनवासी की सौगंध को अपने शीश पर लेकर बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब पीछे न हटने का प्राण तुम्हारा है। देखो वायु पुत्र वानर, मैं तुम्हें वायु अस्त्र से ही पीछे ढकेलता हूं।
सागर, अब तो या तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। इस वायु के प्रभाव से तुम्हारा ये तुच्छ वनवासी प्रभु वायु के तीव्र वेग से उड़ जाएगा। वायुवासर से उत्पन्न तीव्र वायु तो हम सबको ही उड़ा देगी। दानवी अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा। जो मेरा पक्ष लेगा मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरक शुक्राचार्य का दानवी अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु इस दानवी अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? अस्त्र की काट के बारे में सोच रहे हो ना वनवासी? ये दानवी अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवी अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं। हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें। Thank you.
ये वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। इस वानर के कारण मेरे सारे दानवीय अस्त्र असफल हो गए। रावण का ये विकराल रूप, दस शीश, 20 भुजाएं। बहुत हो गई क्रीड़ा वनवासी, अब महान रावण की महान लीला देखो। इस पापी रावण की वरदानी शक्तियां कहीं अनर्थ का कारण ना बन जाए। रावण 10 गुना अधिक शक्ति से वार कर रहा है और भैया एकाकी ही इस दुष्ट का सामना कर रहे हैं। भैया ने अपनी सौगंध से मेरे हाथ बांध रखे हैं, अन्यथा पास्त्र दशानन छाड़ भयंकर राम रथ हनुमत पे निरंतर राम कुशलता से प्रतिकारी अचरज महलंकेश भी भारी कोटि प्रहार की रावण दंभी किंतु अतिग रहे बजरंगी देवता भी अचरज से निहारी सेना भी भावुक भई सारी मेरा ये महाप्रहर भी इस नर और वानर को तनिक भी नहीं टिका सका। इन्हें पीछे हटाने के स्थान पर इनका अंत ही करना उचित होगा। ब्रह्म अग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव, दानव, मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है, ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा लिया, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा। तो विडंबना तो ये भी है देवराज कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है, सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। शंख बजा देने से यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता मूर्ख वानर। अब यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण में से
किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले रहा है। युद्ध में विजय एक मात्र धर्म होता है, फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों ना हो। वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राज सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है ये भ्राता रावण, कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है, जो इस महान रावण को भाया वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है इसी क्षण इन नरों वानरों को मिटा दूं, आप कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में ये अपना विवेक भी खो चुका है, भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा, छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। Thank you.
बचा पाएगा तुम्हें ब्रह्मा से। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दंभी रावण अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। नारायण नारायण। आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की जय, देवी तारा की जय। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण। पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण, अब मेरे क्रोध का सामना करो। दंभी रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता, अधर्म अनिति नहीं त्याग सका रावण, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। आ! आ!